हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज। टोपोलॉजी रेफर्स टू दैट लेआउट पैटर्न इन विच वेरियस कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर टू फॉर्म अ नेटवर्क। द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क आर आल्सो रेफर्ड टू एज नोड्स। टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। नेटवर्क के विभिन्न नोड किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, उस नेटवर्क को टोपोलॉजी ही निर्धारित करता है। यहाँ कई प्रकार की टोपोलॉजीज होती हैं, जिसमें से कुछ का यहाँ पे वर्णन किया गया है, जिसमें फर्स्ट है आपका लाइनर बस टोपोलॉजी। इन बस टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल कॉल्ड द बस। द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम एनी कंप्यूटर ट्रेवल्स थ्रू द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ द डायरेक्शन एंड कैन बी रिसीव्ड बाय ऑल अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। द एडवांटेज ऑफ द बस टोपोलॉजी इज दैट इट इज़ क्वाइट ईजी टू सेट अप। हाउएवर अ नेटवर्क कैन नॉट फंक्शन इफ देयर आर ब्रेक्स इन द बस। बस टोपोलॉजी में एक ही तार का प्रयोग होता है और सभी कंप्यूटरों को एक ही तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है। बस टोपोलॉजी को स्थापित करना आसान होता है, लेकिन किसी भी तरह अगर इस नेटवर्क में कंप्यूटर में खराबी आ जाती है किसी एक में भी, तो सारा डाटा संचार रुक जाता है। इसमें नेक्स्ट है आपका रिंग टोपोलॉजी। इन रिंग टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर्स सो एज टू फॉर्म अ क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इन दिस टोपोलॉजी डाटा इज ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली। द डिसएडवांटेज ऑफ द रिंग नेटवर्क इज दैट द ब्रेकडाउन ऑफ एनी वन कंप्यूटर ऑन अ रिंग कैन डिसेबल द एंटायर सिस्टम और नेटवर्क। रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से एक गोलाकार आकृति में जुड़े रहते हैं। इस टोपोलॉजी में डेटा केवल एक ही डायरेक्शन में स्थानांतरित होता है। इस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज यह होता है कि अगर रिंग नेटवर्क में यदि एक कंप्यूटर गड़बड़ा जाता है या किसी एक कंप्यूटर में खराबी आ जाती है, तो पूरा नेटवर्क सिस्टम खराब हो जाता है। इसमें आपका नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर आर कॉल्ड सब्स। दैट डेटा टू बी एक्सचेंज बिटवीन एनी टू कंप्यूटर पास्ड थ्रू द सेंट्रल नोड। द सेंट्रल नोड कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द नोड्स। मोर कंप्यूटर्स कैन बी इजिली एडिड टू द नेटवर्क। द ब्रेकडाउन ऑफ कंप्यूटर्स एक्सेप्ट द सेंट्रल नोड डज नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द नेटवर्क। हाउएवर द फेलियर ऑफ द सेंट्रल नोड डिसेबल द कम्युनिकेशन अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क। इस टोपोलॉजी में एक होस्ट कंप्यूटर होता है, जिसे सीधे विभिन्न लोकल कंप्यूटरों से जोड़ दिया जाता है। होस्ट कंप्यूटर द्वारा ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है तथा डेटा एक्सचेंज किया जाता है। इसमें सिस्टम होस्ट कंप्यूटर पर निर्भर होता है। यदि होस्ट कंप्यूटर खराब हो जाए, तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। इसमें नेक्स्ट है आपका मैश टोपोलॉजी। इन मैश टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। फुल मैश टोपोलॉजी इज वेरी एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। नॉर्मली पार्शियली मैश टोपोलॉजी इज इम्प्लीमेंटेड इन विच अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ फ्यू अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। मैश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। इस टोपोलॉजी में यह टोपोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। एक दूसरे से जुड़े होने के कारण यह अपनी सूचना का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता। टोपोलॉजी वाला टॉपिक आपका यहीं पर ख़त्म होता है। आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क डिवाइसेस। हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर प्रिंटर फैक्स मशीन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू अ नेटवर्क आर कॉल्ड नेटवर्क डिवाइसेस। वह हार्डवेयर डिवाइसेस जिन्हें कंप्यूटर प्रिंटर
फैक्स मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के साथ आपस में जोड़ा जाता है। नेटवर्क बढ़ाने के लिए नेटवर्क डिवाइसेस कहलाती हैं, जिससे कि वह आपस में डेटा शेयर कर सकें। यहाँ पर कुछ नेटवर्क डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में। जिसमें फर्स्ट है आपका NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज़ अटैच्ड टू अ कंप्यूटर टू इनेबल इट टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क। द NIC हैज़ अ रोम चिप दैट कंटेन अ यूनिक नंबर विच इज़ द हार्डवेयर एड्रेस और द मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MAC मैक बोलते हैं। दिस हार्डवेयर एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाइज कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक हार्डवेयर घटक होता है, जिसके बिना कंप्यूटर को नेटवर्क से नहीं जोड़ा जाता है। यह एक कंप्यूटर में इंस्टॉल सर्किट बोर्ड होता है, जो कंप्यूटर को नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करता है। NIC के पास एक रोम चिप होती है, जिसका एक अपना यूनिक नंबर होता है और एक हार्डवेयर एड्रेस, जिसे मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक भी कहते हैं। इसमें नेक्स्ट है आपका मॉडेम, जिसको हम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं। मॉडेम का प्रयोग ज़्यादातर हम इंटरनेट कनेक्शन के लिए कंप्यूटर में करते हैं, और मॉडेम को हम कंप्यूटर में भी कनेक्ट कर सकते हैं, और टेलीफोन लाइन होती हैं उसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के लिए। इसमें नेक्स्ट है आपका हब। ए हब इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। इन अ हब वन कंप्यूटर सेंड डेटा ऑन द नेटवर्क। द हब सिंपली फॉरवर्ड द पैकेज टू ऑल द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट। ईच कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग विच पैकेट्स आर डेस्टिनाइड फॉर इट एंड विच आर टू बी इग्नोर्ड। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है। इसका इस्तेमाल नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर रिसीविंग कंप्यूटर पर निर्भर रहता है कि वह डिसाइड करे कि वह पैकेट उसके लिए है या नहीं। इसमें नेक्स्ट है आपका स्विच। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है, जो कि नेटवर्क डिवाइसों तथा सेगमेंट्स को आपस में जोड़ता है। इसको मल्टीपोर्ट ब्रिज भी कहते हैं, क्योंकि इसकी कार्यविधि ब्रिज के समान ही होती है। यह स्टार टोपोलॉजी में काम करता है। स्विच में कई पोर्ट लगे होते हैं। जब स्विच से होकर डेटा आता है, तो स्विच डेटा में डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस पढ़ लेता है और उसे डेस्टिनेशन कंप्यूटर को भेज देता है। यह क्रम के मैक एड्रेस को चेक करके ही डेटा को भेजता है। जैसे कि अभी आगे आपको बताया था मैक एड्रेस के बारे में, उसी एड्रेस को पढ़ के स्विच डेटा को आगे सेंड करता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आज के होमवर्क में आपको ये दो क्वेश्चन करने हैं, जिसमें थर्ड है आपका राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग नेटवर्किंग डिवाइसेस हब स्विच मॉडेम। ये अभी मैंने पढ़ाई है आपको, सभी आसानी से कर सकते हैं इनको। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ टोपोलॉजी, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी विद सुटेबल डायग्राम। ठीक है, तो इसमें अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। आप बस टोपोलॉजी के बारे में लिखते हैं और उनके जो प्रकार होते हैं टोपोलॉजी के, उनको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।